हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स, हमें फिजिक्स को लगातार आगे बढ़ाते रहना है। अब फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके इंजीनियरिंग के लिए, आपके मेडिकल के लिए, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आईआईटी मेंस हो, चाहे आईआईटी एडवांस हो, किसी भी कंपटीशन में मेन बैकबोन आपकी फिजिक्स बनती है। अगर आपका फिजिक्स स्ट्रांग है तो आप नो डाउट अपने को कंफर्टेबल फील करेंगे और आप सिलेक्शन के चांसेज आपके बढ़ जाएंगे, आपके रैंक के चांस, अच्छी रैंक के चांसेज बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें फिजिक्स की कांसेप्ट को पढ़ते रहना है, उसकी प्रैक्टिस करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ओके, तो आइए हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये फिजिक्स में कौन कौन सी कांसेप्ट है और उसको हम जो है कैसे मास्टरी करेंगे। तो आज हम पहली कांसेप्ट डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल। क्या? मैग्नेटिक डाइपोल। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपने देखा था कि हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसमें टू इक्वल और अपोजिट चार्जेज हों, जो एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस 2L के द्वारा या 2A के द्वारा सेपरेटेड हों, उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया था, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यहाँ पर हमें सेम उसी के सिमिलर हमें मैग्नेटिक डाइपोल की बात करनी है। तो मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये हमें डिस्कस करना है। तो अब हम मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें तो वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग माइनस क्यू और प्लस क्यू लेते थे। यहाँ माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज ना लेकर के यहाँ हम एक पोल स्ट्रेंथ लेते हैं। क्या लेते हैं? पोल स्ट्रेंथ लेते हैं। अब पोल स्ट्रेंथ या पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, ये मैं आपको डिस्कस कर दूं। अगर हम कोई मैग्नेट ले लें और कोई बार मैग्नेट ले लें और उसके आसपास आयरन फाइलिंग को ला करके हम जो है स्प्रेड कर दें, तो आयरन फाइलिंग सबसे ज़्यादा मैग्नेट के इंड पर आकर के कलेक्ट होती हैं और सबसे कम जो है वो मिडिल में कलेक्ट होती हैं। तो दोनों एंड पॉइंट जहाँ पर किसी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म सबसे ज़्यादा होता है उन्हें हम पोल्स कहते हैं, और उन पोल्स की स्ट्रेंथ को हम पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। इसको हम स्मॉल यम से डिनोट करते हैं, इसको हम स्मॉल यम से डिनोट करते हैं। नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को प्लस यम से डिनोट करते हैं, साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ को जो है माइनस यम से डिनोट करते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को हम 2L से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? 2L से डिनोट करते हैं। ओके, तो आपके पास एक पोल स्ट्रेंथ आ गई। पोल स्ट्रेंथ को हम डिफाइन कैसे करेंगे? पोल स्ट्रेंथ को हम डिफाइन कर सकते हैं द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। F इक्वल टू जैसे QE होता है वैसे F इक्वल टू MB होता है, तो M इक्वल टू F अपॉन B हो जाएगा। B इक्वल टू 1 टेस्ला हम ले लें तो F इक्वल टू M हो जाएगा। मीन्स मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट फील्ड इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को हम M से डिनोट करते हैं। पोल स्ट्रेंथ प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है। प्लस को हम नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को प्लस एम से डिनोट करते हैं, साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ को माइनस एम से डिनोट करते हैं। तो प्लस एम देखिए ये नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ है, माइनस एम जो है वो साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ है। अब पोल स्ट्रेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, पोल स्ट्रेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। जिस तरीके से चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है वैसे पोल स्ट्रेंथ भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और पोल स्ट्रेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पेयर इंटू मीटर होती है। ओके, अब पोल स्ट्रेंथ हमें पता लग गया कि ये पोल स्ट्रेंथ माइनस एम साउथ पोल की है, प्लस एम जो है नॉर्थ पोल की है, दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो 2L है। तो ये जो आपका सिस्टम बनता है इसी को हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल को कैसे डिफाइन करेंगे? अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल।
a system of two equal and opposite poles separated by a small distance is called magnetic dipole. Means two equal or opposite poles को जब हम एक small distance के द्वारा separate कर दें तो इसे हम क्या बोलते हैं? Magnetic dipole. क्या बोलते हैं? Magnetic dipole. Okay? ये आपका एक मैग्नेटिक डाइपोल रहा जिसमें ये साउथ पोल कहलाता है, ये नॉर्थ पोल कहलाता है, इनके बीच की डिस्टेंस को 2L बोलते हैं. ये आपका माइनस एम इसकी पोल स्ट्रेंथ होती है, इसकी प्लस एम पोल स्ट्रेंथ होती है. एग्जांपल मैग्नेटिक डाइपोल का, बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है. कंपास नीडल एक मैग्नेटिक डाइपोल है. कंपास नीडल एक मैग्नेटिक डाइपोल है. सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड एक मैग्नेटिक डाइपोल है. आपका करंट लूप, हर एक करंट लूप चाहे वो जिस शेप का हो चाहे वो जिस साइज का हो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है. हर एक तरीके का करंट लूप वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना. एन एटम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का कोई एटम जो है वो भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है. आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है. हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं. उस रिवॉल्व करने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक करंट लूप का फॉर्मेशन करते हैं. उस करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होता है एटम में, मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, और उसकी वजह से एटम में मैग्नेटिज्म पाया जाता है. तो हर एक एटम जो है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से एक करंट लूप की तरह बिहेव करता है. तो जितने मैग्नेटिक मटेरियल के एटम हैं वो भी एक मैग्नेटिक लूप की तरह या एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं. ओके, द रीजन ऑफ डाइपोल्स वेयर मैग्नेटिज्म इज मैक्सिमम इज कॉल्ड पोल्स ऑफ द डाइपोल. किसी भी पोल का वो रीजन जहाँ पर मैग्नेटिज्म सबसे मैक्सिमम होता है. अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम बार मैग्नेट ले लें और आयरन फाइलिंग को जो है उसके आसपास स्प्रेड कर दें तो दोनों एंड पर आयरन फाइलिंग सबसे ज़्यादा कलेक्ट होंगी और मिडिल में सबसे कम होंगी. तो दोनों जो एंड हैं वो पोल्स कहलाते हैं, वो आपके मैग्नेटिक पोल्स कहलाते हैं. और आपका जो मिड में है जहाँ पर सबसे कम आयरन फाइलिंग कलेक्ट होंगी उसको हम न्यूट्रल रीजन बोलते हैं, ठीक ना, या न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं. तो किसी भी मैग्नेट में दोनों एंड जो होते हैं वो आपके पोल्स का फॉर्मेशन करते हैं. एक की पोल स्ट्रेंथ को प्लस एम, एक की माइनस एम बोलते हैं, और पोल स्ट्रेंथ ये डिसाइड करती है कि कितना ज़्यादा मैग्नेटिज्म होगा. देर आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल प्लस एंड साउथ पोल माइनस ऑफ ईच डाइपोल. हर एक डाइपोल में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. नॉर्थ पोल को हम प्लस एम से डिनोट करते हैं, साउथ पोल को हम माइनस एम से डिनोट करते हैं. नॉर्थ पोल को हम प्लस एम से डिनोट करते हैं, साउथ पोल को हम माइनस एम से डिनोट करते हैं. अब हम देखेंगे कि किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल के बिहेवियर को मैग्नेटिक फील्ड में एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक नई क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ती है जिसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं. जिस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्टडी किया था ठीक उसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जो हमें किसी मैग्नेटिक डाइपोल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती है. आइए देखें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. किससे? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. और इसकी डिफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल्स, द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल्स पोल एंड द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल एम एंड द मैग्नेटिक लेंथ 2L ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मीन्स किसी भी मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ, किसी भी मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ और उस दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच का जो सेपरेशन है जिसको हम मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, ये 2L मैग्नेटिक लेंथ कहलाती है. इन दोनों के प्रोडक्ट को हम जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं.
तो द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द आइदर पोल्स एंड द मैग्नेटिक लेंथ 2L ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मीन्स किसी मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ m है और उसकी मैग्नेटिक लेंथ के प्रोडक्ट को हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर m इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। वेक्टर m क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। स्मॉल m क्या है? पोल स्ट्रेंथ है। 2L क्या है? मैग्नेटिक लेंथ है। 2L क्या है? मैग्नेटिक लेंथ है। मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है? किसी भी मैग्नेट में साउथ पोल से नॉर्थ पोल के बीच का जो सेपरेशन होता है उसे हम मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर हम साउथ पोल को ओरिजिन मान लें, तो साउथ पोल के रेस्पेक्ट में नॉर्थ पोल की जो डिस्टेंस होती है इसको पोजिशन वैक्टर 2L के द्वारा डिनोट करते हैं। ये एक वैक्टर क्वांटिटी है, इसे हम मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। तो द सेपरेशन बिटवीन द साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक लेंथ। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम 2L से डिनोट करते हैं। तो देखिए ये आपका 2L हो गया। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मीन्स किसी मैग्नेटिक डायपोल के मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है। जहाँ साउथ निगेटिव है, नॉर्थ जो है वो आपका पॉजिटिव होता है। तो इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, वैसे मैग्नेटिक डायपोल में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। इसकी एसआई यूनिट एम्पेयर मीटर स्क्वायर होती है या जूल पर टेस्ला होती है। तो चाहे आप जूल पर टेस्ला बोलेंगे या एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर बोलेंगे। क्या? एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर बोलेंगे। और एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पेयर इंटू मीटर। पोल स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट होती है एम्पेयर इंटू मीटर। पोल स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट क्या है? एम्पेयर इंटू मीटर। पोल स्ट्रेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। पोल स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट एम्पेयर इंटू मीटर होती है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर होती है। ओके, आइए अब हम देखें। अभी हमने आपसे बताया कि हर एक करंट लूप एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, वो चाहे जिस शेप का हो चाहे जिस साइज का हो। तो आइए हम देखें कि किसी करंट लूप के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे और वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह कैसे बिहेव करता है। देखिए ये हमने करंट लूप कंसीडर कर रखा है। देखिए ये कोई करंट लूप हमने कंसीडर कर रखा है। इसकी रेडियस आर है, इसमें करंट आई है, फ्लो कर रही है, इसकी रेडियस आर है। अब इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, वो इसमें फ्लो होने वाली करंट और इसके एरिया के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इक्वल टू आई इंटू ए, जहां आई क्या है? करंट। ए क्या है? एरिया ऑफ द लूप। m क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो किसी भी करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उस लूप में फ्लो होने वाली करंट और उसके एरिया वेक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, अब यम की दो डायरेक्शन होती हैं, एक आउटवर्ड नॉर्मल एक इनवर्ड नॉर्मल। अगर लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, उस केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन प्रपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड नॉर्मल होती है। और अगर करंट वो क्लॉकवाइज है तो उस केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होती है और आपका डाउनवर्ड होती है। तो यहाँ पर करंट देखें एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखें आउट नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड है। अगर यही करंट क्लॉकवाइज हो जाती तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड हो जाती है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड हो जाती। तो आपको ये देखना है कि अगर आप अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर लीजिए, जो परपेंडिकुलर थंब है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दे देगा। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो आउटवर्ड नॉर्मल, और अगर क्लॉकवाइज करंट है इनवर्ड नॉर्मल होगी ये ईएम की डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखिए ये जो फेस है, ये जो आपका लूप है इसमें टू फेस है, एक अपर फेस है देखिए, एक लोअर फेस है।
अपर फेस जिधर से देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा वो आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, जिधर से देखने पर करंट क्लॉकवाइज दिखेगा वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो हर एक करंट लूप में एक सरफेस उसका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, एक सरफेस उसका साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। जिधर से देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, जिधर से देखने पर करंट क्लॉकवाइज दिखेगी वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो हर एक करंट कैरिंग लूप में जो है एक फेस नॉर्थ पोल होता है, एक फेस जो वो साउथ पोल होता है। यहाँ पर ऊपर से देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी तो ऊपर वाला देखिए सरफेस जो है वो आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, नीचे से देखने पर करंट जो है वो साउथ क्लॉकवाइज दिखाएगी तो नीचे वाला जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो हर एक करंट कैरिंग लूप में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन लूप के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लूप के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। अगर इस लूप में नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एम है, अगर इस लूप में नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एम है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाता है वेक्टर एम इक्वल टू एन आई ए। तो उस केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाता है एम इक्वल टू एन आई ए, जहां एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट है, ए जो है एरिया वेक्टर है, ए जो है वो एरिया वेक्टर है। एम इक्वल टू एन आई ए, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, आई जो है करंट है, ए जो है वो आपका एरिया वेक्टर है। यहाँ पर जब नंबर ऑफ टर्न सीएन होंगे तो ये फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ टर्न सिंगल होंगे तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। आइए देखते हैं और पॉइंट, एम इक्वल टू एन आई ए इज अप्लीकेबल फॉर एनी प्लेनर करंट लूप ऑफ एनी शेप एंड साइज। अब करंट लूप चाहे जिस शेप का हो, चाहे जिस साइज का हो, ये एम इक्वल टू एन आई ए ये सबके लिए अप्लीकेबल है, चाहे वो रेक्टेंगुलर लूप हो, चाहे वो स्क्वायर लूप हो, चाहे वो आपका सर्कुलर लूप हो, चाहे जिगजैग लूप हो, चाहे जिस शेप का, चाहे जिस साइज का हो, बस उसमें अगर करंट फ्लो कर रही है और उसका एरिया है तो उसके लिए अप्लीकेबल होगा हर शेप और साइज के लिए। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, इसको बोलते हैं एम्पियर इंटू टर्न्स, एम्पियर इंटू टर्न्स ऑफ द लूप, क्या एम्पियर इंटू टर्न्स ऑफ द लूप। अब अगला हम डिस्कस करेंगे, ये तो रहा आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक ना। तो याद रखना है कि हर एक करंट लूप जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। इवन यहाँ तक कि जो एटम है मैग्नेटिक मटेरियल के वो भी करंट लूप की तरह बिहेव करते हैं, उनमें भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करते रहते हैं तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म एटम के अंदर होता है। तो हर एक टाइनी करंट लूप जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, लेकिन डिफरेंस है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं वहाँ पर माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज सेपरेट में मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल चार्ज होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मैग्नेटिक डायपोल की बात करें तो यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मीन्स हम चाहें कि नॉर्थ पोल हमें अलग मिल जाए, साउथ पोल हमें अलग मिल जाए, तो दोनों अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो एक चार्ज होती है, एक सिंगल चार्ज होती है जिसको मोनोपोल कहते हैं। लेकिन यहाँ मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक फील्ड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एक डाइपोल होती है, वो एक डाइपोल होती है जिसमें नॉर्थ और साउथ दोनों पोल इंक्लूडेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक सिंगल पोल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो मैग्नेटिज्म में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की मैग्नेटिक डाइपोल होती है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने की एक सिंगल चार्ज या मोनोपोल होती है। ओके, तो आइए हम देखते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है, या वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है, या वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है या वेलोसिटी फिल्टर क्या है, आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में ये वेलोसिटी सेलेक्टर नाम से ही क्लियर है कि ये एक वेलोसिटी सेलेक्ट करता होगा। वेलोसिटी सेलेक्ट करने का मतलब हो गया कि एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है जिसमें डिफरेंट वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को उसमें से अलग करने के लिए हम वेलोसिटी सेलेक्टर का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। हमने यहाँ पर बोथ फील्ड अप्लाई कर रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड एक्सिस के लॉन्ग है,
और एक चार्ज पार्टिकल यक्स एक्सिस के लंग वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मींस वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी यक्स एक्सिस के लंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लंग है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लंग है। ओके, अब हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है या उसमें मूव कर रहा होता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अप्लाई होगा जो कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा। और हमें यह भी पता है कि मैग्नेटिक फोर्स होता है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वो वी क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्ट करेगा, वो वेक्टर FB इक्वल टू होगा प्लस क्यू वी क्रॉस बी, FB इक्वल टू होगा प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स है प्लस क्यू ई, मैग्नेटिक फोर्स है प्लस क्यू वी क्रॉस बी, दोनों दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हम इनका वेक्टर फॉर्म देख लें। देखो वेक्टर इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा वेक्टर एफ ई इक्वल टू प्लस क्यू इंटू वेक्टर ई, प्लस वेक्टर एफ ई इक्वल टू प्लस क्यू इंटू वेक्टर ई हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स एफ बी इक्वल टू हो जाएगा प्लस क्यू वी क्रॉस बी हो जाएगा। नेट फोर्स की अगर हम बात करें जिसे हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं तो हो जाएगा वेक्टर एफ इक्वल टू वेक्टर एफ ई प्लस एफ बी हो जाएगा। तो वेक्टर एफ इक्वल टू हो जाएगा प्लस क्यू वेक्टर ई प्लस बी क्रॉस बी हो जाएगा। वेक्टर एफ इक्वल टू वेक्टर क्यू प्लस क्यू वेक्टर ई प्लस बी क्रॉस बी हो जाएगा आपका। हमें अब चलिए इसका वेक्टर फॉर्म हम रखें। यहाँ पर एफ इक्वल टू क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वाई एक्सिस के लंग है, वाई एक्सिस के लंग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं हम, जे कैप लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई जे हो गया। वेलोसिटी किधर है, एक्स एक्सिस के लंग है, एक्स एक्सिस के लंग हम यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं आई कैप, वेलोसिटी हो गया वी आई कैप। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हमने किधर ले रखा है, मैग्नेटिक फील्ड हमने जेड एक्सिस के लंग ले रखा है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के लंग, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी के क्रॉस। ये हो जाएगा एफ इक्वल टू प्लस क्यू ई जे प्लस आई क्रॉस के माइनस जे होता है, आई क्रॉस के माइनस जे होता है, आई क्रॉस के आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के माइनस जे होता है। ये माइनस जे आ जाएगा तो आपका ये मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा बी बी इंटू माइनस जे। अब नेट फोर्स आ जाएगा एफ इक्वल टू क्यू ई माइनस बी इंटू बी इंटू जे कैप आ जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई माइनस बी इंटू जे कैप आ जाएगा, ये आपका नेट फोर्स आ जाएगा। अब हमें करना क्या है कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करना है, इस नेट नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए। हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कि नेट फोर्स चार्ज पार्टिकल पर जीरो हो जाए। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो वो चार्ज पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगा, बाकी जो अदर चार्ज पार्टिकल है वो इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे या डेविएट हो जाएंगे। और हम एक चार्ज पार्टिकल के बीम में से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। तो आइए हम देखें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करेंगे, ये हम लोग देखते हैं। हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से एडजस्ट कर दें कि जिससे चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो जाएं, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को इस तरीके से एडजस्ट कर दें कि नेट फोर्स जीरो हो जाए चार्ज पार्टिकल पर। तो देखिए स्टेप थर्ड में वी शुड एडजस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट एफ इक्वल टू जीरो। मीन्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड बी के मैग्नीट्यूड को इस तरीके से एडजस्ट कर देना है कि चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए।
the charged particle that will satisfy this condition goes undeflected in straight line. जो charged particle इस condition को satisfy करेगा वो straight line में जो है वो move कर जाएगा, उसमें deflection नहीं होगा. Rest of charged particles gets deflected, so बाकी जो remaining charged particle होंगे वो तो इधर उधर यहाँ से deflect हो जाएंगे, लेकिन जिस charged particle के लिए ये condition satisfied करेगी, जिस charged particle के लिए ये condition satisfied करेगी E upon B equal to V, वो बिना deflect हुए सीधे निकल जाएगा. So we can select or filter a charged particle of a particular velocity satisfying the above condition. So the device having this arrangement is called the velocity selector. अगर हमारे पास एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है जो इस मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजर रही है, उसमें डिफरेंट वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को हम इस मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, उस बीम में से अलग कर सकते हैं. इसीलिए इसका नाम है वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर. इसका यूज सर जे जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास रेशियो फाइंड आउट करने के लिए किया था, क्यू अपॉन एम रेशियो फाइंड आउट करने के लिए किया था. तो देखिए एफ नेट इक्वल टू जीरो न्यूटन, तो क्यू ई माइनस बी बी इक्वल टू जीरो, यहाँ से ई माइनस बी बी इक्वल टू जीरो, तो आपका आ जाएगा वी इक्वल टू ई अपॉन वी, जहाँ V क्या है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, E क्या है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है. दिस इज कंडीशन फॉर मूविंग अ चार्ज पार्टिकल अनडेफ्लेक्टेड इन बोथ फील्ड. मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं और उस केस में बिना डेफ्लेक्ट हुए चार्ज पार्टिकल को मूव कराना है, तो उस केस में V इक्वल टू E अपॉन V कंडीशन होनी चाहिए. अगर ये कंडीशन जिस चार्ज पार्टिकल के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी वो अनडेफ्लेक्टेड हुए मूव कर जाएगा, रिमेनिंग चार्ज पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में जो है डेफ्लेक्ट हो जाएंगे. तो एक पर्टिकुलर बीम में से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल हम सेपरेट कर सकते हैं. दिस प्रिंसिपल वाज यूज्ड बाय सर जे जे थॉमसन इन 1897 टू मेजर द क्यू बाय एम रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन. मींस इलेक्ट्रॉन के क्यू बाय एम रेशियो, क्यू बाय एम रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, क्यू बाय एम रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं. तो सर जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के क्यू बाय एम को मेजर करने के लिए इस प्रिंसिपल का यूज किया था. दिस प्रिंसिपल इज आल्सो यूज्ड इन मास स्पेक्ट्रोग्राफ टू सेपरेट द चार्ज पार्टिकल अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज टू मास रेशियो. मास स्पेक्ट्रोग्राफ में डिफरेंट चार्ज पार्टिकल को उनके चार्ज और मास रेशियो में सेपरेट करने के लिए हम जो है इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं, या इस प्रिंसिपल का हम लोगों ने यूज किया, उन लोगों ने यूज किया था. मीन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसी डिवाइस होती है जो एटम्स और न्यूक्लियस के मास को मेजर करने के लिए यूज की जाती है. तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज, E अपॉन B इक्वल टू V, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए. यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ E अपॉन B विल बी सेम एज वेलोसिटी. E अपॉन B की वही यूनिट होगी जो वेलोसिटी की यूनिट है, E अपॉन B की वही डायमेंशन होगी जो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी. ओके, ये रहा आपका वेलोसिटी सेलेक्टर और जो है आपका कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और एग्जाम के लिए ओके हो जाना है. ओके.